नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की बरहनी रेंज टीम ने सोमवार की रात खैर की लकड़ी से भरा ट्रक बरामद किया। बता दें, वन क्षेत्राधिकारी बरहनी रेंज प्रदीप कुमार अजगोला के नेतृत्व में रेंज कर्मियों को बड़ी सफलता मिली। बरहनी रेंज वन क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार अजगोला ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि बोर नदी की ओर से एक ट्रक बरहनी की ओर जा रहा है। जिस सूचना पर रेंजर अजगोला के नेतृत्व में वन कर्मियों ने बरहनी वन बैरियर पर घेराबंदी की और विभागीय टीम को देख लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक छोड़कर भागने में कामयाब रहा। वहीं आरओ अजगोला ने बताया कि ट्रक से खैर की लकड़ी के 135 नग को ट्रक सहित जब्त कर रेंज कार्यालय लाया गया, जिसमें 28 नग वन विभाग की छपाई के भी मौजूद थे, जिसकी सूचना वन निगम को दे दी गई है और पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आकी जा रही है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारा स्टाफ बोर नदी क्षेत्र में गश्त में था। रात लगभग 8 बजे के आसपास एक गाड़ी पीपल पड़ाव की तरफ से गड़पुर की ओर को आती हुई दिखाई दी, तो बोर नदी पे इसको जो है स्टाफ द्वारा रोका गया, लेकिन जो ये चालक था ये गाड़ी को तेजी से भगा के ले गया। स्टाफ इसके पीछे लगा और इन्होंने जो है सूचना दे दी, हम लोगों को भी सूचना दी, यहाँ पे स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया था। गड़पू पे इसको रोकने का प्रयास किया गया तो ये गेट पर टक्कर मारते हुए निकल गया, वहाँ पे जो है स्टाफ कम था। बरहनी पे पूरा स्टाफ वहाँ पे तैनात था और वहाँ पे जब इसको रोकने गाड़ी को आते हुए देखा तो स्टाफ वहाँ पर सक्रिय हो गया और पीछे से ये लोग भी आ रहे थे, तो अपने को घिरता हुआ देख के इसने गाड़ी रोकी ड्राइवर ने और वहाँ से गाड़ी से कूद के फरार हो गया। विभाग इसको जब चेक किया गया गाड़ी में तो जो है खैर लदा हुआ था और इसकी जांच करने पे पाया गया कि 133 गिल्टे खैर के इसमें थे, जिसमें से 28 गिल्टों में वन निगम का निशान लगा हुआ था मार्का। अभी जांच जारी है और जो गाड़ी ड्राइवर है अज्ञात लोगों के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज किया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। बाकी अपडेट जो है जब इसकी फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद आपको दे दीजिए। यदि हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।